सो हे गाइस, वेलकम टू द 5-स्टार चैनल। माय नेम इज तस्लीम टोकर्स। चचा फरदीन, बाला, सूफियान और ये हमारे सऊद भाई। आज हम आए हैं जामा मस्जिद, कुछ खाएंगे। आज की है लास्ट सेरी, तो लास्ट सेरी हम करेंगे जामा मस्जिद में और हम जा रहे हैं दरबार फूड पे। पीछे सारे एंट्री मारते हुए अभी आ गए हम होटल के अंदर, जिसका नाम है दरबार। हमने कुछ ऑर्डर कराया तो वो हमारे गाइजों से पूछिए। तो हमने अपने लिए मंगवाया चिकन अफगानी। तो भाई मैंने मंगाया है चिकन टिक्का। तो हमने मंगाया है चिकन फ्राई। फ्राई के बिना तो पता खाने का मजा ही नहीं है। भाई हमने पानी की बोतल मंगाई है। और हमने मंगाई है एक बिस्लेरी। तो मैंने मंगाई है बिस हैरी। ये हैरी पॉटर के रिश्तेदार में लगता है बिस हैरी। खाने से फारिग होने के बाद हम आ गए कुरेशी कबाब पे। और चचा कहाँ है, दिख रहे हैं हमारे चचा? वहाँ खड़े वो रे वो खड़े। तो वो खड़े हुए हैं। कुरेशी कबाब खाएंगे थोड़े से और फिर घर। तो ये है दिल्ली छे का मशहूर मोहब्बत शरबत, जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की रील्स में काफी देखता हूँ। ये काफी आते हैं हमारे इंस्टाग्राम की रील्स में। दिखाना जरा इनकी, इसकी शकल कैसी है। ओहो भाई वाह भाई वाह। सारे पीते हुए, सारे भाई ये भी। तो भाई ने बोला है कि आपके लिए स्पेशल बनाएंगे, तो देखते हैं स्पेशल में क्या होता है हमारे लिए। स्पेशल में गाइस सुन रहे हो, मोहब्बत शरबत स्पेशल में कैसा होता है ये हमने नहीं देखा अभी तक, तो देखते हैं। तो हमारा आ चुका है ये रहा, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है और फिर चचा का चखते हैं चचा का कैसा होता है। सेम ही लग रहा है मुझे तो, बट अच्छा लग रहा है, जैसा भी अच्छा है। पहली बार पी रहा हूँ गाइस मैं, पहली बार। और टेस्ट सच में समझना, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। मैं पहली बार पी रहा हूँ। हम भाई के पास आ रहे थे मोहब्बत शरबत, पहली बार मैंने पिया है मोहब्बत शरबत। बहुत 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 खूबसूरत है ये देखने में भी और पीने में भी, तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। बाकी भाई ने हमें गिफ्ट करा एक एक्स्ट्रा ग्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। तो गाइस सेरी करके आ चुके हैं हम अपने घर। तो ये थी रमजान की आखिरी सेरी। सो मेरी तरफ से रमजान की आखिरी सेरी सभी को मुबारक और सभी को मुबारक। लव यू गाइस, मुबारक। मेरी तरफ से अलग अलग से मुबारक हो आप सबको सेरी। समझाने के बाद भी अलग अलग निकालिए।